आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल हिरोशिमा में बॉम्ब के लिए यूज किया गया है? कैसे पहले लोग सेवन पीकर बुखार से घंटे में ठीक हो जाते थे? क्या हम पेन के बोतल से केक खोल सकते हैं? जानने से पहले पूरी वीडियो देखना। नंबर वन, लिस्टरिन, अगर आपने माउथों को अपने मुंह में वॉश किया है तो आप ये जान लो, जब से पहले मार्केट में लाया गया था फ्लोर क्लीनर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये डेटोल जैसे टाइप का प्रोडक्ट था, फिर इससे मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन था और इसलिए इतने अपने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत बदल दिए और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। नंबर टू, सेवन अप लेमन सोडा एक्चुअली दवाई हुआ करती थी। यह एक मुंह लिफ्टिंग दवाई हुआ करती थी जिन्हें एस्टिमूसिंग, जो की एक बहुत सीरियस बीमारी है, इस वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते थे और उन्हें बुखार तक भी हो जाता था। उसको ठीक करने के लिए ये यूज होता था। जब लोगों को ये होता था, सेवन अप लेमन सोडा दिया जाता था जो निजी फेस कर देता था और आगे की थेरेपी में मदद करता था और आज के लोग इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं। नंबर थ्री, प्लेटो। बच्चे जिस प्ले से खेलते हैं प्लेटो, इसका इस्तेमाल वॉलपेपर को साफ करने के लिए यूज किया जाता था। वॉलपेपर में कई डिजाइन हुआ करती थी जो साफ करने में मुश्किल होती थी, लेकिन ये आसानी से साफ कर देता था। लेकिन फिर लोगों ने देखा प्लेटो किसी मॉडलिंग की तरह काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा इजी रहता है। प्ले से बच्चों को खिलौने में कन्वर्ट कर दिया गया। नंबर फोर, गैपिंग पब्लिक बाथरूम। बाथरूम में गैप इसलिए होता है ताकि लोग बाथरूम से फटाफट बाहर आ जाए। इसको अकाउंट फिल कराने के लिए बनवाया गया है। अगर पूरी तरीके से क्लोज और कन्फ्यूज बनाया जाएगा तो लोग दूसरों का टाइम ही नहीं आने देंगे, इसलिए इसमें नीचे से गैप दिया जाता है ताकि आप दूसरों का वेट करते हुए देख सको और जल्दी अपना काम करके वहां से जा सको। इसी के साथ इमरजेंसी में गैप इस्तेमाल किया जाता है।